वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि माचरे में काफी सारा गंद फैल चुका है, जिसका सफाया करने के लिए आपका भाई आ गया है एक्सपोज वीडियो लेकर, तो चैन से बैठकर वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर एक्सपोज वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। मैं हूँ आपका अपना यूट्यूबर। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसने पूरे सोशल मीडिया पे अलग ही धूम मचाई हुई है। अच्छा, उस महान आर्टिस्ट, सिंगर, पॉलिटिशियन का नाम है हाजिम बगवास। इस शख्स ने पूरे ट्विटर पर एक अलग ही आग लगाई हुई है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। इस शख्स के शोहरत की वजह इसका मुनफरिद लाइफस्टाइल है। एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ ये एक बहुत ही मशहूर सिंगर भी है। सोचता क्या तूने, तुम बिन मैं रह ना पाऊंगा। दूरियां ये तेरी, शायद मैं सह ना पाऊंगा। जान ले बस तू ये बेकदर से परवा, खुश हूं मैं तेरे बिना। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बने। तो गाइस, अभी मैंने सिर्फ आपको इसकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया, तो असली मुद्दे की तरफ आते हैं। आहा, बहुत चंगा ना मैं। चलो भाई, देखो अपने क्या करना। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना मत भूले। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। तो गाइज, चलते हैं बिना वक्त जाया किए वीडियो के मुद्दे की तरफ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। नाम है हजीम बंगवार। किसान में LGBT जो मूवमेंट है, यानी कि गे, लेस्बियन, इस तरह की जो माशरे के अंदर चीजें हैं, उनको परवान चढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तो गाइज, अभी जो आपने सारी बातें सुनी, वो इस बंदे ने एक झूठी तोहमत लगाई है इन पर। इस बंदे का कहना है कि ये, यानी कि गे लेस्बियन, भाई शक्ल से तो तू मुझे गे लेस्बियन लग रहा है। तू कौन होता है किसी को जज करने वाला, ये गे है ये लेस्बियन है? नहीं, ये गंदी नाली का कीड़ा कहाँ से उठ के आ गया यूट्यूब पर? इसने किसी बात की रिसर्च तो करनी नहीं होती और दूसरे पे आकर तोहमतें बांधनी शुरू कर देते हैं। चलो गाइस, आपको इस बात की वजाहत कर देता हूँ कि ये ही है या शी है, आप इसकी मुंह से खुद ही सुन लें। एग्जांपल सिचुएशन आ रही है अबाउट ट्रांसजेंडर, नॉट अ ट्रांसजेंडर, आई एम अ मेल, बट बीइंग अ वुमन, आई एम नॉट अ वुमन, आई एम अ मेल। तो गाइस, इसके बाद कोई शको शोभा रह नहीं गया, उसने सारा शको शोभा खत्म कर दिया है कि मैं मेल हूँ। लेकिन इस बंदे को तब तक यकीन नहीं होना जब तक उसने अपना निकाल के इसके हाथ में न रख दिया। बात तो सही है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। अजी के अंदर हमने देखा है कि LGBT का जो फ्लैग है वो अपने अकाउंट से प्रमोट करते रहे हैं। भाई ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बेमुनासिबत बातें कर रहा है। कोई LGBT का फ्लैग उन्होंने अपनी किसी भी पोस्ट पे नहीं लगाया और कभी भी उन्होंने प्रमोट नहीं किया इस चीज को। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, खुद से ही फ्लैग को क्रिएट कर दिया और वीडियो में लगा दिया और बकवास करने शुरू कर दिए। नेवर हैव आई हेल्ड एनी कलरफुल फ्लैग, मैंने कभी कोई कलरफुल फ्लैग होल्ड नहीं किया है, ना ही कभी मैंने ये पोस्ट किया है। दैट्स फेक, दैट्स नॉट ट्रू। ना ही कभी मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन से अपने आपको एसोसिएट किया है। Not true. ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाइस सुन लिया आपने, उन्होंने अपनी वीडियो में साफ साफ बता दिया कि कभी भी मैंने इस चीज को प्रमोट नहीं किया, ये सारी चीजें फेक है। अगर फिर भी कोई बंदा ये बातें करता है तो फिर ओदा एक ही इलाज है, उन्हें लम्बे बालों ते ओदे छितर मार मार के ओदी डुई ला कर दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं नहीं जानता कि ये ही है या शी है या ये क्या चीज है। गाइस, ये पहले भी मैंने आपको बात बता दी थी कि वो मेल है, तो फिर भी ये पूछ रहा है कि ये ही है या शी है। ये बस बात को मुकाते हैं, ये तेरा बाप है। गाइस, हमारे पाकिस्तान में ये चीज बहुत ही बुरी तरह से फैल चुकी है कि जब भी कोई शख्स वायरल हो जाता है तो सारे मीडिया वाले उठा के उसकी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ इसके साथ भी हुआ। ये पाकिस्तान के कराची शहर के असिस्टेंट कमिश्नर है, लेकिन कराची शहर वालों को इज्जत रास नहीं है, इनको ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर चाहिए जो इनके पीछे सोटा दे के रखे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।